तो स्टडी स्टेट तक क्या निकालना है आपको, चार्ज फ्लो निकालना है। तो देखिए 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 कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए कि मान लीजिए फाइव कंसीडर, ध्यान से देखिए कि अभी इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन इस पर कितना चार्ज है 30 और इस पर कितना -30, माइनस एक तो 30 माइक्रोकूलम और इधर कितना -30 माइक्रोकूलम, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इस पर इनिशियल कितना है बोलो, इनिशियल की बात करें तो 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। मान लीजिए कि क्यू चार्ज इधर से इधर फ्लो हो गया, क्या क्यू चार्ज इधर से इधर फ्लो हो गया, ठीक है, स्टडी स्टेट आने तक, क्या आने तक, स्टडी स्टेट आने तक। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बता दूं कि इसके अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मान लीजिए माइनस प्लस, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 और अभी हो गया मान लीजिए फाइनल जो हुआ वो V1 हो गया, कितना हो गया V1 हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टडी स्टेट आने के बाद में तो देखो चार्ज फ्लो होगा नहीं ज्यादा, समझ आ रही है, फ्लो रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। वो कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अरे क्यों बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सुनो ध्यान से, ये चार्ज यहाँ पे क्यों फ्लो होना शुरू होगा बताओ, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट। तो अब होगा क्या कि चार्ज फ्लो जब तक होगा जब इन दोनों डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्यों क्यों, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। बताता हूँ ये भी क्यों है, आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ पता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ उससे करेंगे इसको, टेंशन नहीं लेना है, सुनना ध्यान से कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें नहीं पता, मान लीजिए स्टडी स्टेट पे ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई है, स्टडी स्टेट पे ये हो गया कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मान लो V2, ठीक है, ये क्या हो गया स्टडी स्टेट की कंडीशन आ गई है, क्या आ गई है स्टडी स्टेट की कंडीशन, और उस तक यहां पर चार्ज हो गया है 30 माइनस क्यू, मतलब क्यू इधर फ्लो कर गया है और इस पे हो गया है 10 प्लस क्यू, समझ आ रही है, इस पे कितना हो गया, इनिशियल कितना था 10 था, अब हो गया मान लीजिए 10 प्लस क्यू, और यहां से क्या होगा ये इधर से प्लस क्यू आ जाएगा, तो प्लस क्यू यहां पर कितना हो जाएगा, यहां से प्लस क्यू इस पे ऐड हो जाएगा, यहां से माइनस क्यू निकलेगा तो माइनस क्यू, समझ आ रही है नहीं आ रही, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी आ गई है। देखना ध्यान से, यहां पर प्लस क्यू ऐड हुआ, यहां से प्लस क्यू निकल जाएगा, यहां से क्यू निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां पर क्यू ऐड होगा तो यहां पर 10 प्लस क्यू हो जाएगा, यहां से क्यू निकलेगा तो यहां पर 30 माइनस क्यू, यहां पर क्यू ऐड होगा तो माइनस 30 प्लस क्यू, ऐसा कुछ हो जाएगा सिचुएशन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, हुआ क्या है, मैं कुछ नहीं लगा रहा हूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है बताइए, यहां से यहां से यहां से यहां ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे लगा रहे तो देखा माइनस से प्लस गए तो V1, फिर देखो प्लस से माइनस गए तो माइनस V2, फिर क्या आ गए 0 = 0, समझ आ रही है नहीं यार। तो यहां से कह सकते हैं V1 = V2, और V1 और V2 है क्या, फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं इसको कि फाइनल चार्ज कितना है इस पे 30 माइनस क्यू, अरे 30 माइनस क्यू है नहीं है तो 30 माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है 3। V2 बोलो कितना लिखू, 10 प्लस क्यू इज द फाइनल चार्ज, तो 10 प्लस क्यू अपॉन बोलो कैपेसिटेंस कितनी है 2, तो यहां से आ जाता है आपका 60 - 2Q = 30 + 3Q, तो यहां से आ जाएगा 5Q = 30 Q = 6 माइक्रोकूलम, समझ आ रही है, तो यहां से Q = 6 माइक्रोकूलम आ गया है। और देख सकते हैं आपको कि अगर यहां पे 6 रखा, मैंने क्या रखा 6 यहां रखा, तो देखो यहां पे कितना आ जाता है, यहां पे आ जाता है चार्ज आपका 6 माइक्रोकूलम अगर मैंने रखा तो यहां पे आ जाता है 16, ठीक है 16। और यहां पे देखा जाए कि V1 और V2 की वैल्यू देखी जाए, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 30 - Q, Q कितना है 6/3 कितना बोलो, हम कह सकते हैं ये आ जाएगी आपकी 8 वोल्ट, समझ आ रही है। 8 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 8 वोल्ट का मतलब हुआ कि V1 और V2 यहां से इक्वल है, तो V2 भी कितनी हो जाएगी 8 वोल्ट, मतलब इनके अक्रॉस अगर देखा जाए तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया, समझ आ रही है, 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं दोनों के
इक्वल आ गए तभी स्टडी स्टेट पे चार्ज फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया। और हमें पता है कि जब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें हीट अगर निकालूं मैं, हीट जनरेटेड, तो हीट कैसे निकालूंगा, हीट कह सकते हैं, हीट जनरेटेड अगर मैं निकालूं हीट, तो हीट कह सकते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी अगर देखी जाए तो फाइनल चार्ज से निकालते हैं, तो फाइनल चार्ज कितना है यहाँ पे, फाइनल एनर्जी निकाल देते हैं, सीधा इससे निकाल देते हैं, देखो हाफ सी फाइनल सी वी स्क्वायर, देखो हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल देते, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, इससे निकाल देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी वन की हो गई और ये एनर्जी किसकी हो गई, टू की हो गई। तो फाइनल पोटेंशियल तो सेम है, तो ये लिख सकता हूं, फाइनल अगर एनर्जी निकालनी है, दिस इज ई फाइनल, ई फाइनल ऑफ द सिस्टम, तो हम कैसे निकालेंगे बोलो, हाफ, और हमें पता है कि फाइनल V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना है, 8 वोल्ट। ठीक है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, तो C1 प्लस C2 कितना है बोलो, C1 प्लस C2 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू 64, तो हम कह सकते हैं इट इज 160। तो 160 ये आ गई, सुनो, और E इनिशियल की बात करें तो E इनिशियल क्या आ जाएगी बोलो, इनिशियल को हम लिख सकते हैं कि हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, सिंपल, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सी वन की वैल्यू, इनिशियली वी वन की वैल्यू कितनी थी, 10 वोल्ट, तो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ इंटू सी वन 3 ले लो, और ये कितना ले लो, 10 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हम बोल सकते हैं इसको हाफ C2 इज 2, V2 इज 5, तो इसका स्क्वायर, तो यहां से ये कैलकुलेट कर लो, तो आप देखोगे कि इन दोनों को कैलकुलेट करके देखा तो आपको देख सकते हैं कि इट इज अराउंड 150 और 25 हम कह सकते हैं ई इनिशियल, ई इनिशियल कितनी हो गई, ई इनिशियल हो गई 150 प्लस 25 हो गई आपकी 175, तो ई इनिशियल कह सकते हैं, ई इनिशियल कितनी है 175। ठीक है, तो देखो ई इनिशियल 175, ई फाइनल कितनी 160, तो देखो लॉस तो होगा क्योंकि ई इनिशियल ज़्यादा थी और ई फाइनल क्या है, कम है, इसका मतलब हीट लॉस तो हुआ है, गई तो एनर्जी तो गई है, तो कह सकते हैं जो हीट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हीट हो जाएगी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो ये है एनर्जी में डिफरेंस जो कि कितना आ रहा है 175 माइनस 160। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 15 आ जाएगा आपका, समझ आ रही है नहीं आ रही, तो यहाँ से बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें देखने में। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे एनर्जी। ठीक है, तो अब ये आ जाएगी माइक्रो जूल, 15 माइक्रो जूल। ठीक है, 15 माइक्रो जूल की आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी। तो एक चीज़ और ध्यान से समझिए कि अगर हमको एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है तो क्या किया हमने, ई इनिशियल निकाला, ई इनिशियल सिचुएशन में जो एनर्जी थी दोनों कैपेसिटर की, दोनों को ऐड कर दिया, और फाइनल एनर्जी में दोनों को ऐड कर दिया, बट फाइनल में एक फायदा हो गया था हमारा, वो ये हो गया था कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू क्या हो गया था, 8 वोल्ट हो गया था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर करके निकाल दिया था। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान बात है। अब सुनो, एक और क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो देखिए ध्यान से पहले, तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं, किताबों में कुछ फॉर्मूले दे रखे होते हैं इसकी हीट निकालने के लिए, लेकिन वो ऐसे निकालोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूले दिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कि मान लीजिए ये दो कैपेसिटर हैं और मान लीजिए ये कुछ प्लस माइनस ये V1 दे रखा है, प्लस माइनस ये V2 दे रखा है, और जो फाइनल और ये दे रखा है C1 और ये दे रखा है C2, और जो फाइनल है सिचुएशन क्या, स्टडी स्टेट पे जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी आ गई, मान लीजिए ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया, मान लो V, क्योंकि हमें पता है फाइनली जो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सेम आ जाता है। ठीक है, और इसकी क्या है C1, ये क्या है C2, तो जो किताबों में फॉर्मूले लिखे होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं, देखो जो हीट का फॉर्मूला लिखा होता है हीट, तो
So you can see this is the formula for heat, which is half C1 V1, half C1 V1 upon C1 plus C2 V1 minus V2 ka square. You can apply the direct formula for this question. ठीक है ना? अगर polarity क्या है? ऐसी है. Polarity ऐसी है. ठीक है? और V final क्या हो जाएगा? C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. या फिर जो मैंने बताया है method, उससे निकाल सकते हैं आप आसान तरीके से. ठीक है? या अगर देखा जाए कि दूसरा, अगर इसकी polarity कुछ उल्टी हो, तो उनमें क्या करेंगे? If this is the question in which this is minus, this is plus, and this is plus and this is minus, this is V2 and this is V1. So you can find V final equal to C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2. And if I take heat, so heat will be equal to half C1 C2 upon C1 plus C2. प्लस C2 V1 प्लस V2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस विच इज फाइनल V. इफ आई टॉक अबाउट द V की फाइनल बात करूं मैं, तो फाइनल V विल बी लाइक दैट. प्लस माइनस V फाइनल. ठीक है, और इन विच V फाइनल यू कैन से दिस इज V फाइनल इन दिस क्वेश्चन. तो या तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे निकाल सकते हो, या ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगा सकते हो. ठीक है, एक इसका स्मार्ट वे और बताता हूँ सॉल्व करने का. क्या स्मार्ट वे, कैसे अपन स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं इजीली विदाउट दिस फॉर्मूलाज और जो मैंने सॉल्व किया है वैसे. तो कैसे निकालेंगे, देखो लिखिए. मैंने लास्ट क्वेश्चन को ही ले लेता हूँ आपके. जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, 10 वोल्ट ये था, 10 वोल्ट प्लस माइनस, एंड ये कितना था, 5 वोल्ट प्लस माइनस, एंड इट वॉज 2 फेराडे, 2 माइक्रो फेराडे, एंड दिस इज 3 माइक्रो फेराडे. इस क्वेश्चन को इजीली भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको बोल सकते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन. ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन. ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इसको इजीली, देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए. कि अगर देखा जाए कि इनिशियली कंडीशन क्या है, इनिशियली कंडीशन ये है कि इस पे जो चार्ज है वो कितना है, 30, यहाँ पे कितना है माइनस 30, यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो 10, और यहाँ पे माइनस 10. ठीक है, तो एक बात बताइए कि इन दोनों प्लेट्स का अगर देखा जाए, इन दोनों प्लेट्स को अगर देखा जाए, इन दोनों प्लेट्स को, तो इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट है या नहीं है, इन दोनों प्लेट्स पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, चार्ज विल बी कांस्टेंट. क्यों रहेगा चार्ज कांस्टेंट, क्योंकि देखो इस प्लेट से तो इस पे चार्ज आ सकता है, इससे इस पे जा सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे उड़ के इस पे पहुंच जाए चार्ज, ऐसा तो हो नहीं सकता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के चार्ज को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, इन दोनों के चार्ज को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, बस खत्म हो जाएगा काम. अब मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि मान लीजिए फाइनल कंडीशन पे हमें पता है कि इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो वो मान लिया, मान लो प्लस माइनस, और आपको जो मान लिया V final मान लिया. ठीक है, V final एक हो गया potential final condition का. ठीक है, तो finally अगर देखा जाए तो इस पे charge कितना होगा बोलो, 3 into V final, इस पे finally charge कितना होगा बोलो, final इसके across भी V final हो गया, तो इस पे कह सकते हैं 2 into V final, तो initial charge equal to final charge, कह सकते हैं यहाँ से Q initial equal to Q final, तो Q initial कितना था बोलो, इन दोनों plates पर अगर Q initial की बात की जाए तो कितना था, 30 plus 10, Q final कितना था इस पे, इस पे 3V final, इस पे 2V final, 3V final plus 2V final, तो यहाँ से क्या आ गया, this is 40 equal to 5V final, तो V final equal to हम कह सकते हैं 8 volt, और 8 volt क्या आ गया V final, तो चार्ज निकाल लीजिए किसी भी प्लेट पे, कितना चार्ज है बोलो, तो हम कह सकते हैं चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज कह सकते हैं फाइनल चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी 2 into V final, तो इस पे कितना हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम, और इस पे कितना हो जाएगा 8 into 3 24 माइक्रो कूलम. ठीक है, 24 माइक्रो कूलम, इसमें से कितना फ्लो करके गया, 30 पहले था, फाइनली कितना है बोलो 24, इसका मतलब यहां से 6 यहां से इधर गया, तो ये हो गया 16, और यहां से 6 इधर से निकल गया, तो इसमें से माइनस 6 हो गया, समझ आ रही है नहीं आ रही, तो
तो ये हो गया -16 और इससे यहाँ पे 6 ऐड हो गया, ठीक है, तो ये हो गया -24, ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो जब वी फाइनल निकल आया तो क्या निकालना है आपको, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या है, हीट, तो हीट भी निकाल सकते हैं, हीट क्या हो जाएगी, हाफ सी वन वी वी वन इनिशियल स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू इनिशियल स्क्वायर, ये क्या हो गई ई वन, ये क्या हो गई ई इनिशियल, ठीक है, और माइनस क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा हाफ सी वन वी एफ स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी एफ स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या हो गई बोलो, ई फाइनल क्या हो गया, हीट ऐसे निकाल सकते हैं इजीली, बहुत इजी, फॉर्मूले याद नहीं है तो भी काम चलेगा, स्मार्ट वे यूज करो, ठीक है। माइक्रोफेराड कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफेराड, तो आप बताइए इस पर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना है दोनों के में, और चार्ज फ्लो कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए क्या होगा, सिंपल देखिए, इनिशियल बताइए, इनिशियल कंडीशन पे अगर मैं देखूं तो इनिशियल कंडीशन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार्ज कितना है इस पे, बोलो -4, -4 क्यों, ये माइनस वाली प्लेट है, ये प्लस वाली प्लेट है, यहाँ पे क्या होगा +4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 1 किया है तो -4 माइक्रो कूलम एंड +4 माइक्रो कूलम, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 24 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कितना -24 माइक्रो कूलम, ठीक है। बट इनसे हमें मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, चार्ज को हमारे जो स्मार्ट भी है उससे करेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कांस्टेंट इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो देखिए ध्यान से कि अगर देखा जाए कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, मान लिया हमने कि वी फाइनल हो गया है, कितना वी फाइनल, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, क्या हो गया माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, वी फाइनल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी फाइनल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी फाइनल इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जो फाइनल है, तो इसके यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, वी फाइनल मल्टीप्लाई बाय, वी फाइनल मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल, दिस इज क्यू फाइनल, किस प्लेट पे, इस वाली प्लेट पे, ठीक है, जो कि माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल माना है, फाइनल में ये माना है कि यहाँ पे प्लस आ गया या माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया या माइनस आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना होगा बोलो, 4 वी फाइनल, ये क्या होगा Q फाइनल यहाँ का, तो Q इनिशियल नेट शुड बी इक्वल टू Q फाइनल नेट। सो कैसे करूं बताइए, Q इनिशियल नेट, व्हाट इज Q इनिशियल नेट, 24 माइनस 4 20, Q फाइनल नेट 4 प्लस 1 5 VF, तो VF कितना, VF आ गया आपका 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया, 4 वोल्ट का मतलब क्यू फाइनल कितना बोलो 4 माइक्रो कूलम, और ये कितना बोलो 16 माइक्रो कूलम, तो यहां से कितना फ्लो कर गया इधर, 24 माइनस 16, समझ आ रही है, इतना फ्लो कर गया, मतलब 8 माइक्रो कूलम चार्ज क्या फ्लो कर गया, 8 माइक्रो कूलम चार्ज इधर फ्लो कर गया, और 8 जब किया तो 8 प्लस माइनस 4 और यहां से भी कितना बोलो 8, तो माइनस 8 इधर से कर दो, समझ आ रही है, तो यहाँ पे नेट कितना माइनस 4, तो फाइनल की बात करें तो फाइनल यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे बात करें तो 8 यहाँ पे पहुंचा तो प्लस 8 कर दो, प्लस 8 करेंगे तो कितना माइनस 16, तो यहाँ पे ये फाइनल कंडीशन हो जाती है। और तो हम क्या कह सकते हैं, कितना चार्ज फ्लो किया इस सर्किट में, 8 माइक्रो कूलम चार्ज। अगर मुझे निकालना है हीट, क्या निकालना है हीट, हीट कैसे निकालेंगे, हाफ C1 कितना 4 माइक्रो फेराड मल्टीप्लाई बाय V1, V1 कितना है 6 स्क्वायर प्लस इनिशियल, इनिशियल की बात करें तो सेकंड वाले के लिए बताइए 1 माइक्रो फेराड मल्टीप्लाई बाय इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 4 स्क्वायर, तो दिस इज हम बात करें ये क्या हो गई E इनिशियल, ठीक है, माइनस माइनस क्या करेंगे E फाइनल, और E फाइनल क्या होगा हाफ C1, C1 which is 4 microfarad plus C2 कितना 1 microfarad into potential difference across them, क्या है final potential difference V final which is 4 volt, तो यहां से आपको ये क्या है E final, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा heat,
तो आपको हीट मिल जाएगा यहां से, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कितनी हीट जनरेट होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीका। इसको आप कैसे करें, इसमें बताना है फाइंड आउट द चार्ज फ्लो टिल स्टडी स्टेट। क्या बताना है, फाइंड आउट द चार्ज फ्लो टिल स्टडी स्टेट, फाइंड आउट द चार्ज फ्लो टिल स्टडी स्टेट, फाइंड आउट द चार्ज फ्लो टिल स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट तक कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, सेम तरीका है, हम क्या मानेंगे जैसे हमने शुरुआत दो कैपेसिटर वाले की थी वैसे शुरुआत करेंगे। वो कैसे की थी मैं आपको बता दूं, वो ऐसे की थी मैं आपको बता दूं, 10 नंबर का पूछा गया था ये एक बार आईआईटी में, समझ आ रही है, तो अच्छे से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान है। कि मान लीजिए कि अगर देखा जाए कि इसमें से क्यू चार्ज फ्लो कर गया, इनिशियली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना 20 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कितना -20, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे देखा जाए तो कितना था 0 और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे इनिशियली देखा जाए तो कितना 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कितना -10 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। ये कैसे देगा -10 और +10, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द कैपेसिटेंस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ पे फ्लो कर गया, तो यहाँ पे कितना आ गया क्यू, यहाँ पे कितना -Q, यहाँ पे कितना +Q, यहाँ पे कितना -Q, ठीक है, और यहाँ पे फिर कितना +Q। ऐसे चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ आ रही है नहीं आ रही। तो हमने क्या मान लिया कि चार्ज कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। तो बस अब हम ये मान लिखते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V1, V2 हो गया मान लीजिए, ठीक है। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, फाइनल, यहाँ पे कितना हो गया मान लीजिए V2, और यहाँ पे जो हो गया वो मान लीजिए V1, और यहाँ पे जो हो गया मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग इंक में लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका V1, और यहाँ पे जो हो गया आपका वो हो गया V3, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, ये फाइनल मान लिया हमने कि फाइनल कुछ ऐसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है इनके अक्रॉस, ठीक है, ये हमको कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया है ये V2, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं लगाना हमको, देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है बोलो, V1 अगर मान लो यहां से 0 मान लूं तो यहां से यहां तक क्या है V1 प्लस V1 प्लस V1 आया, यहां प्लस से माइनस जा रहा है, इसलिए माइनस V2 प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस V3 शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताइए। तो V1 क्या लिखूं, क्यू यहां से फ्लो कर गया था ना, ठीक है। V1 बोलो क्या लिखूं, V1 लिख सकता हूं मैं फाइनल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। फाइनल चार्ज कितना 20 माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस 2, ठीक है, माइनस V2 बोलो क्या लिखूं, फाइनल चार्ज विच इज क्यू अपॉन कैपेसिटेंस, तो क्यू अपॉन 1 माइनस V3 क्या लिखूं बोलो, V3 लिख सकते हैं अपन क्यू फाइनल चार्ज विच इज 10 प्लस क्यू अपॉन कितना कैपेसिटेंस विच इज 2 इक्वल टू 0। तो ये जब 0 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, देखो क्या मिलता है, ध्यान से सुनिए, हम कह सकते हैं 20 माइनस क्यू माइनस 2Q माइनस माइनस कह सकते हैं अपन माइनस 10 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाता है आपका 10 विल बी इक्वल टू 4Q, तो क्यू इक्वल टू 2.5, तो क्यू इक्वल टू 2.5 आ जाता है। तो यहां से कह सकते हैं कि क्यू कितना फ्लो कर गया, 2.5 कूलम चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया यहां से, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यू, ठीक है। तो यहां पे आपको ऐसे इतना चार्ज फ्लो कर गया है टिल स्टडी स्टेट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन, अगर हम निकालना चाहें V1 की वैल्यू तो V1 क्या होगा बोलो, V1 कह सकते हैं 20 माइनस क्यू 17.5 बाय 2,
और ऐसे ही वी टू हम देखना चाहें तो वी टू कितना हो जाएगा बोलो, वी टू हो जाएगा हमारा क्यू बाई वन, तो विच इज 2.5 वोल्ट, एंड वी थ्री ऐसे ही हो जाएगा कितना 10 प्लस क्यू, मतलब 12.5 बाई 2. सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर टिल स्टडी स्टेट. तो स्टडी स्टेट आने तक कितना चार्ज फ्लो हो गया, क्यू विच इज 2.5 माइक्रो कूलम. ठीक है, इसको दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पर, बहुत अच्छा. एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने इधर ही क्यों फ्लो माना, इधर ही क्यों पॉजिटिव माना. ठीक है, इधर पॉजिटिव भी मान सकते हैं, उल्टा भी मान सकते हैं. जब उल्टा मानेंगे तो क्या होगा, चार्ज ऐसे जाएगा आपका, समझ आ रही है, और ऐसे जाएगा तो सारी की सारी पोलैरिटी ऐसे चेंज हो जाएंगी. तो मैंने चार्ज को जाते हुए कैसे मान लिया, ऐसे मान लिया, समझ आ रही है, ऐसे मान लिया. ठीक है, अगर इसको चेंज भी करते हो तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा. देखो, अगर इसको माइनस और इसको प्लस ऐसे मान लिया, मान लो आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, माइनस आएगा. ऐसे में अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे माइनस आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, मैंने चार्ज को फ्लो भी इधर ही मान लिया है और इसकी पोलैरिटी भी क्या मान ली है, अपोजिट मान ली है, अपोजिट मान ली है. ठीक है, यहाँ पे प्लस मान ली, यहाँ पे माइनस मान ली, समझ आ रही है नहीं आ रही. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस वी वन आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन अब यहाँ पे जो वी वन लिखूंगा मैं, वो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज अपॉन टू. तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज क्या है, माइनस 20 प्लस क्यू. तो यहाँ पे माइनस 20 प्लस क्यू रखूंगा और माइनस बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस सेम चीज आ जाएगी. तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पोलैरिटी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस रख लेने से या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर लेने से कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए. मैंने क्या बताया, एक बार और बता रहा हूँ कि अगर इसकी पोलैरिटी आपने यहाँ पे प्लस ले ली, यहाँ पे माइनस ले ली, तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर ऐसा किया तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेंगे. यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज क्या है, माइनस 20 प्लस क्यू. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यही वैल्यू आएगा, समझ आ रही है. तो V का वैल्यू यहाँ से V1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो V1 का वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नेगेटिव. और नेगेटिव क्या बता रहा होगा कि ये जो पोलैरिटी तुमने मानी है वो क्या मानी है, उल्टी मानी है, उनको सीधी कर लो. समझ आ रही है नहीं आ रही, तो आप टेंशन मत लीजिए, आंसर हमारा एकदम करेक्ट आएगा. चाहे तुम इधर पॉजिटिव मान लो इधर नेगेटिव, चाहे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिखिए, नाउ यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन. तो कैसे निकालेंगे, आसानी से देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैं किया है. तो मान लीजिए पहले जो चार्ज था वो कितना था, 40, यहाँ पे कितना, माइनस 40. तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो यहाँ पे कितना, माइनस क्यू, यहाँ पे कितना, प्लस क्यू. ठीक है, तो माइनस क्यू यहाँ से, तो यहाँ पे पहले इनिशियल कितना था बोलो, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कितना था, माइनस 10 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, और ये क्या छोड़ेगा, माइनस क्यू, मतलब क्यू छोड़ेगा तो माइनस क्यू हो जाएगा. तो यहाँ पे क्यू जब यहाँ पे पहुंचेगा तो पहले इनिशियल कितना था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कितना था, माइनस 10 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 10, 10 प्लस क्यू. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से निकलेगा 10 क्यू, तो क्यू इधर निकलेगा, तो क्यू और क्यू आके यहाँ पे माइनस 40 में ऐड हो जाएगा. तो दी ज्यादा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. तो अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जो मैंने कर दिए, कब, स्टडी स्टेट के बाद में. क्योंकि हम बोल सकते हैं कि स्टडी स्टेट तक मैंने मान लिया है कि क्यू चार्ज इसमें से क्या कर गया, फ्लो कर गया, क्यू चार्ज इस सर्किट में फ्लो कर गया है. ठीक है, तो ये क्या है, स्टडी स्टेट की कंडीशन मैंने आपको बता दी है. इनिशियल कंडीशन क्या थी, कि इस पे चार्ज कितना था 40, इस पे चार्ज कितना था माइनस 40, इस पे चार्ज कितना था इनिशियली बोलो, माइनस 10, इस पे चार्ज था प्लस 10, इस पे चार्ज कितना था बोलो, माइनस 10, इस पे चार्ज कितना था प्लस 10. अब क्या हुआ, क्यू चार्ज फ्लो कराया तो इसमें से क्यू कम हो गया, इसमें क्यू बढ़ गया, इसमें क्यू ऐड हो गया, इसमें क्यू, समझ आ रही है नहीं आ रही. तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. तो अब देखिए सिंपल, अब मैं क्या करूं, मान लीजिए इसके अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल V1 ऐसे कुछ मान लेता हूं, कि मान लीजिए इसके अक्रॉस फाइनल पोटेंशियल V1 प्लस माइनस, यहां पे मान लिया हमने V2, वो मान लिया है, किधर भी मान लो, डायरेक्शन किधर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जिधर मर्जी है उधर मान लो. ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस किधर भी मान लो, बाद में नेगेटिव या पॉजिटिव आके बता देगा. अगर पॉजिटिव आया बाद में वैल्यू, तो आप समझ जाना जिधर आपने माना है वो एकदम सही माना है. अगर नेगेटिव आ गया तो जिधर माना है उसके उल्टा कर दो, वही सही है, समझ आ रही है. तो माइनस प्लस किधर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टेंशन मत लो. आपने
पड़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इधर देखो, मान लीजिए इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, तो ये हो गया मान लो वी थ्री, ठीक है। और अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ, बोलो क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री। क्यों वी वन प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, यहां में प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए क्या माइनस वी टू, प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए माइनस वी थ्री। और ये क्या इक्वल टू जीरो, क्योंकि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल जीरो वोल्ट, यहाँ से ऐसे आया है, समझ आ रही है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुत आसान है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी वन को क्या लिखूं मैं, बोलो, वी वन होगा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट विच इज 40 प्लस 40 माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस 2 एंड माइनस वी टू। वी टू क्या बोलो, पॉजिटिव प्लेट पे की पे चार्ज वो कितना है, क्यू प्लस 10 अपॉन कैपेसिटेंस क्या है 1 माइनस इसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना बोलो 10 प्लस क्यू अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन से 40 माइनस क्यू माइनस 2 क्यू माइनस 20 माइनस 10 माइनस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं कि क्यू 4 क्यू माइनस 4 क्यू 30 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो क्यू इक्वल टू कह सकते हैं 2.5। ऐसा मत सोचना कि दोनों लास्ट क्वेश्चन में भी सेम आंसर आया था, अभी भी सेम आंसर आ गया, तो इसका मतलब ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, समझ आ रही है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो अब सुनो, तो क्यू कितना फ्लो होगा यहाँ पे 2.5 माइक्रो कूलम, इतना क्यू फ्लो हो जाएगा।